कभी भी बच्चे पूरे हमारे नहीं आ पाए हैं, अभी के बच्चे कुछ गोरखपुर में हैं, कुछ दूसरे जगह हैं। एक और हम बता दें, एक हमारा एससी कैटेगरी का बच्चा जो अभी नहीं आ पाया, वो कुल्लू मनाली घूमने गया है, वो उसके सर 675 नंबर हैं, 675 नंबर एससी कैटेगरी में, और 50 रैंक है ऑल इंडिया। वो बच्चा कुल्लू मनाली गया है, तो हमारा विद्यार्थी, तो उसको हम जल्दी जल्द से घूम के आ जाएँ तो हम मिलवाते हैं। 675 नंबर कुल्लू मनाली गए हुए हैं, तो वो आने दीजिए, दो तीन मिलवाएंगे। एससी कैटेगरी का बच्चा है, सोचिएगा, लोग कहते हैं एससी कैटेगरी कितना तेज तर्रार बच्चा है। अब देखिए, चूँकि बच्चे हो गया, तो अब हम टीचर से चाहेंगे कि वो भी दो दो शब्द कह के अपने जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनको आशीर्वाद दें। तो सबसे पहले चलिए इधर बायोलॉजी के सर हैं, वो दो दो शब्द कहें सर बच्चों के लिए, आशीर्वाद दें। सबसे पहले तो मेरा नाम शशांक शेपियंस है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जानते होंगे। सुमन सर के साथ में मैं भी अभी नीट बी बैच में पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो भी बच्चों ने बोला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर आप उन्हें ही नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप खुद से ही फिर सारी चीज़ें और डाउट्स अपने अंदर भरते जाओगे। तो कोशिश करो, जो भी सभी टीचर्स आपसे बोल रहे हैं उनको फॉलो करें, और बाकी फिर से। एक मैथ के टीचर हमारे इस साल जुड़े और बहुत ही डायनेमिक हैं। उनका जब डेमो चल रहा था तो मैं था, मैथ कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही डायनेमिक सूरज सर से मैं चाहूँगा कि बच्चों को आशीर्वाद दें, दो शब्द कहें। सबसे पहले मेरा नाम सूरज कुमार दुबे है, मैं जौनपुर से हूँ, और अभी 3 महीने हुए मुझे पांडे क्लासेस ज्वाइन किए हुए। तो मैं बच्चों के लिए बस इतना बोलूँगा, अभी तक जितना भी मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, किसी भी सिलेक्शन के लिए पहली चीज़ तो आपको चाहिए डेडिकेशन, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको रेगुलर होना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊँ, प्लेन होता है, हवा में उड़ता है ना, एक बार जब चलता है तो उड़ता है, उड़ता कब है वो, स्टार्ट कैसे करता है वो, धीरे धीरे चलना शुरू करता है पहले, और चलते 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 वो अपना स्पीड बढ़ाता है, पहले वो रन करता है ना, ज़मीन पे रन करना शुरू करता है, उसके बाद उसकी स्पीड एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि उससे ज़्यादा स्पीड उसकी नहीं हो सकती, और जब वो अपने पीक स्पीड पर पहुँच जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, प्लेन आकाश में उड़ जाता है। इसी तरह आपको भी करना है कि पहले आप चलना सीखो, यानी कोई भी कंसेप्ट या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसको सीखना स्टार्ट करो, और उसमें आपको क्या करना है, डेडिकेशन के साथ धीरे धीरे रेगुलर आपको उसको पढ़ना है, और धीरे धीरे जब आप पढ़ते 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 प्लेन की तरह आपकी भी स्पीड इतनी अच्छी अगर हो गई तो आप भी क्या करोगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप उसमें अच्छा कर जाओगे। इसके साथ मैं अभी सर ने बिल्कुल सही बातें की हैं कि आप रनवे पर देखिए एरोप्लेन को, तो कैसे वो धीरे धीरे चलता है, फिर बड़ी तेज़ी से भागता है, दौड़ता है, फिर आसमान में उड़ जाता है, वही तैयारी का तरीका भी है। अब देखिए एक और सर विनय पांडे सर हैं, फिजिक्स के हमारी फैकल्टी हैं, और इनका वज़न मेरा वज़न बराबर ही है, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये वज़न को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। मैं इनको कहता हूँ क्या चिंता करते हैं आप, सब सही रहता है, तो मैं इनको बड़ा बल देता रहता हूँ। कभी कहते हैं सर फैटी लीवर है, तो मैंने कहा जब मोटे हैं तो लीवर तो फैटी रहेगा ही, वो तो मेरा हमेशा ही रहता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो सारी चीज़ चलती हैं। तो सर भी दो शब्द कहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, आप लोग साथ में बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। अराइज अवेक नॉट स्टॉप टिल गोल रीच्ड, विवेकानंद बोलते थे कि आप अपने गोल को तब तक जब तक प्राप्त न कर सको तब तक रुको मत। मैं विनय पांडे सर और पांडे सर का छोटा भाई। बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत उतने अच्छे इंसान, मैं देखे तमाम बता कहा तो सर कुछ बोला नहीं, गंभीर आदमी हैं ये, अभी कितनी शिकायतें की इनकी।
मैं आर के सिंह सर से चाहूँगा कि केमिस्ट्री तो बहुत पढ़ाई आपने, आशीर्वाद दीजिए बच्चों को समझ में। सबसे पहले जो बच्चे सिलेक्ट हों को बधाई, और मैं क्या बोलूँगा, सब लोग खुद ही बोलते हैं। बस मैं इतना कह रहा हूँ, यहाँ पर जो बच्चे 500 प्लस हैं, तो जो बच्चे भी सिलेक्ट हो गए हैं वो क्या बता रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारा 590 था, इस बार हम 600 के पार चले गए, कोई 520 था 600 के पार चले गए। तो बस इनमें कोई और उनमें कोई अंतर नहीं है आप में, जिनका 500 है और जिनका 600 प्लस गया उनमें अंतर नहीं, एक ही अंतर है प्रैक्टिस का। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, यहाँ का सब जो बच्चे सिलेक्ट नहीं पाते हम बता रहे हैं अपना अनुभव, वो बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं, मैक्सिमम बच्चे टेस्ट से दूर हो जाते हैं। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, नंबर आपको कुछ भी आ जाए, हम बता रहे हैं आपको, जब पहली बार मैं आईटी तैयारी चालू किया ना, तो मेरा 300 आ गया था, फिजिक्स में 0, केमिस्ट्री में 0 और मैथ में 0, पहले टेस्ट में जब मैं 11th में था। फिर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, नंबर बढ़ना चालू हो गया। तो कुल मिला के आपको भी क्या करना है, अपना लगातार टेस्ट दीजिए, टेस्ट में नंबर बढ़ाते जाइए और आप आने कल सेलेक्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूस बने रहेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और बस दोबारा बधाई, और एक बार फिर इनके माता पिता को बधाई जिन्होंने इनको सेलेक्ट कराया, क्योंकि बहुत कम होता है गाँव के बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, और ये लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो गाँव के बच्चों को मोटिवेशन बनेंगे। सर कहते हैं ना कुराँव वाले बच्चे, मैं जब से जान रहा हूँ कुराँव के बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, आज भी देखिए बच्चे यहाँ कुराँव खड़े हैं ठीक सेलेक्ट होकर के। ठीक है, बस अब आगे सर बताएंगे। थे दो और हमारे विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं जो सेलेक्टेड हैं, उसमें निखिलेश मोतीलाल से कर रहे हैं, और एक और कुशवाहा बच्चा है उनको, वो क्या नैन कुशवाहा आगरा से कर रहे हैं वो, है ना। तो इनसे भी बुलाएंगे हम, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। निखिलेश आइए, निखिलेश आपको बताएंगे, क्योंकि उनका सेकेंड ईयर है, 2 साल हो गए, 2021 में सिलेक्शन था। अरे बड़े तेज हो गए हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। निखिलेश 2021 में सिलेक्शन पाए थे, और 2021 में मोतीलाल इनको मिला, मोतीलाल से कर रहे हैं। तो मोतीलाल से अच्छा लगता है कि जैसे कोई भी पेशेंट हमारे आता है तो कहने में अच्छा लगता है कि चले जाइए वहाँ, निखिलेश हैं देख लेंगे, तो देख लेते हैं ये लोग, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो निखिलेश आप बताइए बेटा कि कैसे ये लोग तैयारी करें। मेरा मोतीलाल नेहरू से सेकंड ईयर है ठीक, और मैं आया था इलाहाबाद में, तो पहली बार सबसे पहले पांडे सर से मिला था ठीक, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी ठीक, पांडे सर से मिला था, और टेस्ट से मैं जैसे बच्चे बता रहे हैं भागते थे, मैं भी बहुत भागता था टेस्ट से, पर पांडे सर से मिला तो सर ने मुझे मतलब काफ़ी मोटिवेट किया और बताया कि मतलब ऐसे भागते रहोगे कब तक भागोगे, मतलब टेस्ट तो देना ही पड़ेगा ठीक। तो उसके बाद से फिर मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, लगभग मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, और फिजिक्स तो मेरी काफ़ी अच्छी हो गई, और सर तो बायो समझ ही रहे हो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे 87 क्वेश्चन सही थे उस टाइम, क्या कहते बायोलॉजी में, और 2021 में, और मोतीलाल मिला था, बाकी सर आएंगे तो हम रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे अच्छे से। नैन कुशवाहा बेटा भी आए आगरा से कर रहे हैं, 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत ही गंभीर बड़े प्यारे हैं हमारे। अब देखिए फ़ोन आया इनका कि सर हम आना चाहते हैं, हमने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, जब भी आइए, हम तो हमेशा हम कहते आते रहिए, देवेंद्र को तो हम बार बार बुलाते हैं, आप देवेंद्र हमको भाव ही नहीं देते हैं, क्या करें हम देव हैं, पहले झांसी फिर आगरा, अच्छा इनके दोस्त हैं, हाँ वो तो रहेंगे ही। हाँ तो मेरा नाम नैन कुशवाहा है, मेरा 2022 में 633 नंबर था, और मुझे एस एन मिडिल कॉलेज आगरा अलॉट हुआ था उस समय। तो फिजिक्स में जाकर सर बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स से मैंने शुरुआत किया था, तो मेरे 180 में से 16 नंबर आए थे पहले टेस्ट में, उसके बाद मैंने उसको किया तो मेरे नीट में उसमें 170 नंबर आए थे फिजिक्स में, मतलब 170। तो फिजिक्स में आप लोग लगातार क्वेश्चन लगाते जाए, नोट्स को तो कम से कम जितनी बार करते उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 बार 5 बार 6 बार लगाते जाइए, और बायो तो अच्छे से करिए, बायो में एनसीईआरटी सब कुछ है, और
केमिस्ट्री भी बायो की तरह ही है, उसको भी एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा आपको, उसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ किसी का सवाल है? आगरा मिलेंगे? नहीं सवाल है तो आगरा जब जाएंगे तो मिलेंगे सर। आगरा 650 के ऊपर ही मिलेगा। मुझसे सोर्स मत लगवाइएगा क्योंकि फिर बड़ा उल्टा हो जाता है। पूछो इसको, पूछना इसको, पूछना। अच्छा कर रहा है, सिली मिस्टेक जो होती है टेस्ट में वो कैसे होती है? सिली मिस्टेक सर, जब क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन पे हो, आप हर एक वर्ड को उसको अच्छे से पढ़े, पूछा क्या है आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, और ऐसा करें कि जो गलती एक बार जो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ी हो जाती है दोबारा गलती करना। एक बार हो दोबारा ना हो, मतलब दोबारा हो तो तिबारा ना हो, मतलब कि क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, हर एक शब्द को अच्छे से करें उसमें। ठीक है, और किसी का सनी कोई सवाल है आपका? शिखर, हाँ, 12th के बाद पहला अटेम्प्ट है, 12th के बाद, 12th के दौरान भी सिलेक्शन हो रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए ड्रॉप का कोई सीन नहीं है, जब बच्चा शुरुआत करता है तो सब एक बार पहली बार ही पढ़ते हैं, तो उसको शुरू से ही अच्छे से पढ़िए। मेरा ये नहीं कि मुझे अगली बार करना है, मुझे इसी बार करना है और उसको अच्छे से पढ़िए, पहली बार में हो जाए सबसे अच्छी बात है। हाँ क्या क्या मोटिवेट क्वेश्चन नहीं आया तो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप नोट्स को मतलब नोट्स अपना खोल लीजिए फिर से करिए। अगर आपसे क्लास में क्वेश्चन कराया जाए नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार बता दिया जाए तो घर पे जाके वो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए क्लास में, टीचर से संपर्क, और नहीं होता है तो आप टीचर से अपने फ्रेंड से मतलब जिससे भी हो सके वो डाउट को उसी दिन क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बोझ बन जाएगा पूरा हो जाके। तो पहला साल का पढ़े तो आप 11th का भी हैं 12th का भी पढ़े हैं, तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करिए, जब 11th का हो जाएगा फिर 12th का पढ़ाएंगे सर तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों करने के चक्कर पड़ेंगे तो एक भी नहीं हो पाएगा आपका, वो पढ़ाया दोनों जाएगा एक साल में। और किसी का? थैंक यू नैन, थैंक यू। अब देखिए मैं लास्ट में जो संस्था के नींद से जगते हैं सोते हैं, हमेशा इनके मन में यही चलता रहता है कि संस्था कैसे आगे बढ़े, संस्था को समझिए कि एक तरह से सीड था उसको इन्होंने उसका बोया, बीज रोपण किया, फिर अंकुरण हुआ, फिर हम लोग यहाँ तक आए, लेकिन अभी तक ये सोचते रहते हैं कि संस्था कैसे प्रोग्रेस करे। हमारी भी बातें होती हैं तो जब भी मुलाकात होती है तो प्रोग्रेस की बात करते हैं कि सर संस्था कैसे आगे जाए, तो आपके लिए हमेशा